वर्ड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज योर वर्ड्स केयरफुली एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ. चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. कहते हैं वर्ड्स आर लाइक अ लैम्प फॉर योर फीट. ये एक रोशनी है आपके पैरों के लिए. फ्रॉम वेयर यू कैन शो समवन. आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से सामने वाले को वो सब दिखा सकते हैं जो वो खुद देखने में असमर्थ है. आप अपने शब्द से, अपनी बातों से सामने वाले को वो दिखा सकते हैं जो वो खुद अपनी आंखों से देखने में. कहते हैं जब आज मैं निकला अपने घर से, आई प्रे फॉर गॉड कि प्लीज गॉड ग्रांट मी स्ट्रॉन्गर गिफ्ट्स ऑफ वर्ड्स टुडे. कि मुझे अच्छे शब्द मिले आज, ताकि मैं अपने दिमाग को शब्दों में कन्वर्ट करके लोगों के दिल में पहुंच सकूं. वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. समटाइम आप कुछ कहना चाहते हैं और आपको मुनासिब शब्द नहीं. तो चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुल. कम्युनिकेशन को मैं तीन भागों में बांटता हूं. लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं. नंबर 1 ट्रेनिंग. जितने भी लीडर्स आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं ट्रेनिंग टू शो समवन हाउ टू डू द बिजनेस. अगर आप इसमें अच्छे हैं, टू शो समवन हाउ टू डू द बिजनेस, अगर आप इसमें अच्छे हैं, यू कैन अर्न बिग मनी. बिजनेस कैसे किया जाए, अगर आप ये समझा सकें लोगों को, तो आप बड़ा पैसा कमाते हैं. इसको बोलते हैं ट्रेनिंग. नंबर 2nd वे टू कम्युनिकेट इज टीचिंग. ट्रेनिंग इज डिफरेंट, टीचिंग इज डिफरेंट. व्हाट इज टीचिंग ऑल अबाउट? कहते हैं टीचिंग इज मोर देन लाइफ स्किल्स, मदर स्किल्स, फादर स्किल्स, डॉटर स्किल्स, पेरेंट स्किल. मां बाप से बात कैसे करना है, बच्चों से कैसे. जैसे जब मैं पिता बना, I learned how to become a good father. I learned the skills to become a good father. And I can proudly say, I'm the best father. अपने आप को तो बोल ही सकता. I learned every day. Learning how to inspire. The 3rd communication process. कहते हैं हेल्प पीपल टू सी themselves बेटर देन दे आर. लोगों की मदद करो वो देखने में जो वो खुद नहीं देख पा रहे. हेल्प योर लीडर बाय योर वर्ड्स, बाय योर लैंग्वेज. आप लीडर्स की मदद करो अपने शब्दों से, अपनी भाषा से, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त. शब्द कान में उतर के ऊर्जा का संचार करते हैं और आदमी से कुछ भी करवा लेते हैं सर. आतंकवादी बन जाते हैं लोग, क्योंकि उनके कानों में कुछ ऐसा फूंका जाता है. लोग जान देने को तैयार हैं बिकॉज ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट. बेस्ट टूल और ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी. और अगर आप ये सिर्फ स्किल सीख लें, तो यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम बाय 10 by 10 by 10 एन नंबर ऑफ टाइम. मुझे किसी ने आज से बहुत साल पहले सिखाया कि सुनो, तुम जिस तरीके से सीख रहे हो, जिस तरीके से तुम लर्न कर रहे हो, अगर ऐसा ही करते रहे तो एक दिन देखना कि जब तुम ऑडिटोरियम में जाओगे ट्रेनिंग देने के लिए, तो आप में से तो तुमको कोई ना कोई देखना बोलेगा, देखो ये वो लड़का जा रहा है, ही इज दैट फेमस मैन, देखो ये सोनू शर्मा जा रहा है, ये वही है, वही है. हाँ देखना तुम, एक दिन ऐसा होगा. और देखो आज जब मैं आया तो मैंने सुना कुछ लोग कह रहे थे, हाँ ये वही है, ही इज द मैन, ही इज द मैन. सीखना इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स. लर्निंग विल नेवर एंड. अगर आज कुछ ले जाना चाहते हैं तो सीखिएगा कि सीखना कभी बंद मत करना यार. आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल. कहते हैं डोंट बी लेजी इन लैंग्वेज. आलसी मत बनना. कहते हैं फेथ कम्स बाय वर्ड्स. विश्वास आता है शब्दों से, इफ डिलीवर्ड इन ए प्रॉपर वे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे. बिलीव इन योर सेल्फ बट नो बडी बिलीव यू. विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे. और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया. यू आर यूनिक. आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा. इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू. आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए बस खाली. आप नहीं ढूंढ सकते. यू आर यूनिक इंपॉर्टेंट. और नेस्विस के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. ये मात्र एक शुरुआत भर है. दिस टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं आज इस ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आके ये वर्थ होगा और बहुत मल्टीप्लाई करके आपको नहीं आपकी जनरेशंस को फायदा देने वाला है. मेरे पास बहुत सारे टॉपिक और है लेकिन समय कम हो गया तो मैं उसको कट शॉर्ट कर दिया आज. मेरी शुभकामनाएं आप सब दोस्तों के साथ हैं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. और मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं. मुझे बड़ी खुशी है. मैं आपको देख रहा था आप लिख रहे थे तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आए. इतनी इतनी दूर दूर से आए मुझे बहुत खुशी है. और मजे की बात जानते हैं क्या है. ड्रामा क्या है. ड्रामा जानते हैं आप. ड्रामा ये है कि मैं अकेला घर नहीं जाऊंगा. आप सब जाएंगे यादों में. यू ऑल गो. यू ऑल गो विद मी. और ड्रामा इससे बढ़कर एक और है. आप भी अकेले घर नहीं जा रहे. मेरे नोट्स में जा रहा हूं तुम्हारे साथ. आई एम गोइंग अलॉन्ग विद यू इन माई नोट्स. देखिए लास्ट में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं. आप आशा से भरकर किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से. अगर आप पहले से निराश हैं तो आप उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं. मैं आपको कह देता हूं कि सफलता के संबंध में बहुत आशा से भरा होना बहुत महत्वपूर्ण है. अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी भी पाया है. अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी भी पाया है. अगर इतिहास में कोई भी मनुष्य सफलता की गहराइयों को छू गया है. कोई कारण नहीं है कि आप नहीं छू सकते. आपसे पहले अगर कोई छुआ है तो आप भी छू सकते हैं. उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना यहां से निकलने के बाद जिनके जीवन में अंधकार है. उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती. उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई है. उन बीजों को मत देखना जो वृक्ष नहीं बन गए, सड़ गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए. उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए. और स्मरण रखें उन बीजों को जो संभव हुआ वो प्रत्येक बीज को संभव है. एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हरेक मनुष्य को संभव है. भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है. भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है. मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी बुरी जिम्मेदारी और बड़ी ईमानदारी के साथ कि आप कमाल कर सकते हैं सर. आप धुआं उठा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर. आप विलक्षण हैं. आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने कभी पैदा नहीं किया. आप जैसा तो पैदा हो ही नहीं सकता. नॉट पॉसिबल एट ऑल. लास्ट नॉट द लीस्ट एक शेर के साथ इस सेशन को आज विराम देते हैं. ईश्वर ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे. और शेर आप सबके समृद्ध है. अगर इजाजत हो तो आप इरशाद बोल सकते हैं. और ये शेर मेरे उन सब लोगों के लिए है जो आज पहली बार इस ट्रेनिंग में आए हैं. और उन सब लोगों के लिए भी है जो पुराने मेरे साथी हैं. मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ 8-8 साल 9-9 साल से जुड़े हुए हैं. मैं अभी स्टेज पर उनको कॉल करूंगा. उनके बिना मैं 0/0 हूं. मैं आपको स्टेज से बोल रहा हूं ये बात. और ये सारी उन्हीं की मेहनत का फल है जो मैं यहां पर खड़ा हूं. ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिनकी वजह से मैं हूं. ये क्रेडिट जाता है सुकेश भारद्वाज जी को जो यहां पर बैठे हैं. ये क्रेडिट जाता है त्रिवेश को जो यहां पर बैठे हैं. ये क्रेडिट जाता है गौरव भाटिया को जो यहां पर बैठे हैं. गौरव मिश्रा को, संदीप नारवाल को, मनदीप सिंह रत्रा को, मानस राहुल को, शिवम मल्होत्रा को, पंकज कोहली को. ये क्रेडिट इन सब लोगों को जाता है. अमित गुप्ता को, आशीष गुप्ता को,
ये लोग नहीं होते तो मैं यहां तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकता था, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अजय मलिक, योगेश, ये सब लड़के मैं इनको देखता हूं तो मैं इनमें अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता हूं। यार तुम 24 साल की 25 साल की उम्र में जलजले हो यार, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। और आप सबके सुपुर्द है जिन लोगों ने कैप भी लगाई है अभी। वो कहते हैं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, रिपीट करना आप लोग मेरे साथ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। ये शेर आप सुनाइएगा हर उस आदमी को जो मना कर रहा है आपको। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैंने जब रॉल्स रॉयस बोली, जब मैंने चार्टर्ड प्लेन बोला तो पीपल लाफ ऑन मी। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और अगला शेर आपके तक पहुंच सके तो ये कहता है ये कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल कर खर्च करो। मेरे बच्चों, आप मेरे लिए उम्र में बड़े हो सकते हैं, इस वजह से बच्चे ही रहेंगे। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। मैं अकेला ही और आखिरी में शेर उन लोगों के लिए जो मुझसे नफरत करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि सोनू जी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है जब आप ऐसा सुनते हो कि कोई आपके लिए अच्छा नहीं बोलता? तो मैंने वो उससे पूछ रहा था कि भगवान पे मानते हो, भगवान उनके साथ है कि तुम्हारे साथ? मैंने बोला भगवान मेरे साथ है, उनके साथ होता तो मैं बर्बाद हो जाता अब तक। मेरे साथ है, यकीनन मेरे साथ है। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। और नापसंदी जरूरी है सर, नापसंदी अगर आपको लोग नहीं कहते, इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। If everybody likes you, you have a serious problem. अगर दुनिया में सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आप बहुत समझौते किए हैं जिंदगी में। अगर सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आप जिंदगी में समझौते किए हैं। डिसलाइक का बटन भगवान राम के यूट्यूब पे भी है, हमारी तो औकात ही। If you go to YouTube, you will find a dislike button. सर आप लोग आगे सर जाओ, एक सेकंड। थैंक यू।